क्रिस्त में प्रिय भाई बहनों, आज के इस सुंदर दिन में हम लोग प्रभु यीशु के बारे में मनन चिंतन करते हैं। आज के दुनिया में लोग बहुत व्यस्त रहते हैं, अपने कामकाज के ऊपर लोग लगे रहते हैं, लोग इधर उधर जाते रहते हैं और लोग सोचते हैं इस दुनिया पाने के लिए कड़ी मेहनत का ज़रूरत है। लेकिन कभी कभी ऐसे लगता है जितना भी दौड़ने के बावजूद भी अपने ज़िंदगी में फेलियर महसूस करने वाले हजारों व्यक्ति लोगों को हम देखते हैं। इसलिए कुछ दिन पहले एक समाचार पत्र में पढ़ा था, यूरोप के जाने माने धनी व्यक्ति ने अपने पूरे संपत्ति को ध्यान में देकर और प्रार्थनामय जीवन बिताने के लिए एक सुंदर जगह को तैयार किया है। वहाँ पर वह आराम से बैठते हैं। लोग उनसे पूछा क्यों, तो बोलते हैं ये दुनिया का संपत्ति से कुछ मतलब नहीं, उससे ज़्यादा मन की शांति का जरूरत है। आज के सुसमाचार में हम लोग देखते हैं मार्था और मेरी के बारे में। मार्था हमेशा व्यस्त रहती है, वो यीशु के सेवा में तत्पर रहती है, उनका सेवा को महत्व भी है। लेकिन यीशु बोलते हैं यदि असली डिसाइपल बनना चाहते हैं, असली शिष्य बनना चाहते हैं, तो प्रभु की वचन को सुनना अनिवार्य है। इसलिए मेरी को बोलते हैं तुम्हारा काम सही है। तो हम लोग भी अपने जीवन के द्वारा ईश्वर का आवाज़ को सुनने के लिए, हमारी अंतरात्मा की आवाज़ को पहचान करने के लिए तत्पर रहे, ताकि ईश्वर की कृपा हमारे जीवन में आ जाए। और लोग, हम लोग को मालूम है दुनिया में लोग व्यस्त रहते हैं और दौड़ते रहते हैं, ज़िंदगी को पाने के लिए और दुनिया को पाने के लिए तरसते रहते हैं, लेकिन कहाँ तक। और यदि ईश्वर की सेवा में लग रहते हैं, ईश्वर की कृपा के जरूरत मिलते हैं और ईश्वर की कृपा उनके साथ में रहते हैं, उनके लिए प्रभु की कृपा और शांति हमेशा मिलते रहेंगे। और प्रिय भाई बहनों, आज के सुसमाचार को हमारे जीवन के द्वारा तुलना करें और हमारे जीवन के द्वारा हम लोग सोचते रहे कि किस प्रकार ईश्वर की आवाज़ को हमारा जीवन में सुने और किस प्रकार हम लोग आगे बढ़े और ईश्वर के साथ हमको आगे बढ़ने की रास्ता ढूंढे और प्रभु की कृपा मिलने के लिए परिश्रम करें। ईश्वर की कृपा और शांति हमारे परिवार में लाए, इसके लिए हम प्रार्थना करें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।